मीरा भायंदर विधानसभा क्षेत्र में हूँ और यहाँ पे दाखिल के अंदर इस बात कांग्रेस की रैली चल रही है और यहाँ से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र मुजफ्फर भाई पटेल वो यहाँ से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के आज हमारे विधायक है जिसके ऊपर हजारों केसेस हैं, जिस पर क्रिमिनल आरोप हैं, जिसकी संपत्तियों के ऊपर आक्षेप है, उसके अन्याय से ये शहर त्रस्त है, उसके भ्रष्टाचार से ये शहर त्रस्त है। ये मुद्दे यहाँ के लोकल मुद्दे हैं, ये विधानसभा का चुनाव है, यहाँ पर एक लोक प्रतिनिधि इस शहर के लिए क्या करेगा उसका चुनाव। लेकिन हम बड़े बड़े मंच लगाकर भाषण सुनते हैं सर, वहाँ पे 370 का धारा का जिक्र होता है, वहाँ पे भारत पाकिस्तान के धारा का जिक्र होता है और लोग बड़ी बड़ी मतलब बड़ी संख्या में तालियां पीटते हैं, तो क्या आपको लगता नहीं कि कांग्रेस ने भी इस तरह का कुछ प्रचार या इस तरह का कुछ ढिंढोरा पीटना चाहिए? मैंने आपसे कहा ये विधानसभा का चुनाव है जी, और इस विधानसभा के चुनाव में जनता जनार्दन को कौन डिलीवरी यहाँ पे पिछले 5 साल में क्या दिया है विधानसभा के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर क्या विकास किया है, कितना भ्रष्टाचार किया है, कितना लोगों को परेशान किया है, उसके संबंधित यह चुनाव है जी। ये कोई नेशनल चुनाव नहीं है, पार्लियामेंट का चुनाव नहीं। तो आप मानते हैं कि लोग ये समझते हैं? हम लोग फोटो लेने का फूल मत देखो, ये फूल मत देखो, इधर असलम अच्छा हटो दिया क्या भाई असलम वापस ले समाज उसमें से भी लो देखो उसमें फोटो लिया उसमें आपका फोटो नहीं है नहीं आया अभी इनके मोबाइल से ले असलम चांद बदरी में चौंका है तारा आया मुजफ्फर हमारा काय निजाम चाचा ले रहा हूँ
बोरिवली साइड में चलो ना, बीच में क्या चल रहा है।
कांग्रेस के मुजफ्फर भाव का साथ, मुजफ्फर भाव से हाथ मिलाएंगे, मीरा भाईंदर से डबल गार्बेज टैक्स हटवाएंगे। चुनो सही उम्मीदवार लाओ इस बार मुझे प्रभाव की सरकार। Thank you.
मुजफ्फर भाव का उद्देश्य कल से बेहतर बनेगा आज, जब मीरा भायंदर देगा कांग्रेस के मुजफ्फर भाव का साथ, मुजफ्फर भाव से हाथ मिलाएंगे। मोटरसाइकिल वाले को रोक इमरान मोइन, ये गाड़ी के पीछे मम्मी की गाड़ी रहेगी। हाँ
चला पुढे चला पुढे चला अरे माहिती राम